कल राम मंदिर का फैसला आया था और ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, और आप भी ऐसा कुछ कह रहे हैं कि कुछ ऐतिहासिक करना चाहते हैं, क्या क्या बात है पूरा बताएंगे? पहले तो जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से फैसला दिया वो अपने आप में एक सराहनीय है। अच्छा, देखिए दोनों ही पक्षों को बड़ी लंबी बहस के बाद और दोनों ही पक्षों को सुना और सुनने के बाद जो निर्णय आया वो दोनों के ही, दोनों समाजों के, दोनों धर्मों को मान सम्मान देते हुए किसी भी किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। इससे पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल है। सभी धर्मों के दोनों पक्षों से मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, कल से ही खुशी की एक लहर दौड़ी है। खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, वो लोग भी बहुत खुश हैं, हिंदू समाज के लोग भी खुश हैं, सिख समाज के लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं और ईसाई समाज के, क्योंकि ये अपने आप में हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी आस्था में विश्वास करता हो, सर्वप्रथम वो पहले भारतीय है और हमें भारत की गरिमा और संस्कृति में ध्यान को ध्यान रखते हुए ही हमें काम करना चाहिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का और उस पीठ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सराहनीय फैसला दिया, और हमारा भी इसी कड़ी से जुड़ते हुए मैं प्रे फॉर इंडिया का मैं चेयरमैन होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि जो भारत के लोगों ने, जो राज्यों के लोगों ने, अलग अलग राज्यों से जो आवाज़ें आईं, उन्हीं आवाज़ों के साथ हम भी अपनी आवाज़ को मिलाते हुए, और हमने राजेश खटाना जी के साथ मिलकर एक चर्चा की और चर्चा करके हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण में और मस्जिद निर्माण में एक एक किलो चांदी की ईंट जो है वो नींव में रखने के लिए दोनों ही कमेटियों को हम मिलकर देंगे। अच्छा, ये हमारा एक आपके माध्यम से है कि हम आपके माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ। जब भी मतलब मंदिर का निर्माण शुरू होगा और मस्जिद का भी निर्माण, तो आप एक एक किलो चांदी की ईंट नींव के लिए देंगे, भेंट करके आए। अच्छा, भेंट करके आए। उस चांदी की ईंट का एक मकसद ये है कि आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना। अच्छा, क्योंकि देखिए मंदिर भी हमारा सम्मान है, मस्जिद भी हमारी सम्मान है, क्योंकि इस देश में सभी लोग एकजुटता के साथ आज काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम एक बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास तभी है तब सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के त्योहारों को, एक दूसरों की आस्थाओं को और एक दूसरे के धर्म को सम्मान के नज़र से देखेंगे। क्या आपको लगता है इससे भारत देश की अखंडता एकता दृढ़ होगी? देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो प्रख्यात है, वो इसीलिए प्रख्यात है कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ एक संगम है, और संगम का मतलब है कि हम सब एक साथ रहकर एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में?